खबर की ओर। आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल से 13 मई को दिल्ली के सीएम हाउस में मारपीट के आरोपों की जांच दिल्ली पुलिस ने तेज कर दी है। एफएसएल की टीम फिर से सीएम हाउस आ सकती है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने सीएम हाउस में लगे सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर को कब्जे में लिया और उसे अपने साथ ले गई। लगातार तीसरे दिन आज दिल्ली पुलिस की टीम सीएम हाउस पहुंची थी। इसके बाद पुलिस ने सीएम हाउस से एक लैपटॉप और प्रिंटर भी मंगवाया था। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ 13 मई को सीएम हाउस में मारपीट हुई थी, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। दिल्ली पुलिस को एफआईआर दी थी विभव कुमार के खिलाफ, जो कि अरविंद केजरीवाल के पूर्व पीए हैं, और इस मामले में विभव कुमार की ओर से भी एफआईआर करवाई गई थी और आरोप लगाया गया था कि स्वाति मालीवाल ने झूठा केस दर्ज कराया है। इन सबके बीच दिल्ली पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है, सबूत जुटा रही है। इलेक्ट्रॉनिक सबूत खासतौर पर काफी अहम होंगे, लिहाजा सीसीटीवी फुटेज ली जा रही है और ये डीवीआर लेकर के जब दिल्ली पुलिस की टीम जा रही थी वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीसीटीवी से ही यह खुलासा हो सकता है कि कौन सच्चा कौन झूठा। स्वाति मालीवाल ने यह भी आरोप लगाया था कि सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ की जा रही है और सीएम हाउस में सीसीटीवी की डीवीआर वहां से पुलिस लेकर के निकली है। तो लगातार तीसरे दिन सीएम आवास पर जांच करने के लिए पहुंची है दिल्ली पुलिस। स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी का मामला काफी सुर्खियों में है और पुलिस की अब तफ्तीश हो रही है। लगातार तीसरे दिन सीएम हाउस में जांच हुई है, डीवीआर लेकर गई है पुलिस, सीसीटीवी के डीवीआर को जब्त किया गया है, लैपटॉप और प्रिंटर के साथ गई थी पुलिस। सबूतों की तलाश की जा रही है, कौन सच बोल रहा है, किसके आरोप झूठे हैं, अब यह पड़ताल की जा रही है। स्वाति मालीवाल का जो मेडिकल कराया गया था उसमें उन्हें चोट लगने की बात सामने आई थी। स्वाति मालीवाल ने काफी गंभीर आरोप लगाए थे कि विभव कुमार ने उन्हें पेट पे मारा था और इन सबके बीच विरोध प्रदर्शन का सिलसिला भी लगातार चल रहा है। उधर आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी मामले को लेकर के राजनीति भी खूब हो रही है। उधर आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल से इस पूरे मामले में सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि दिल्ली पुलिस आरोपी विभव पर आईपीसी की धारा 201 लगा सकती है। यह धारा सबूतों को नष्ट करने से जुड़ी है। शक जताया जा रहा है कि विभव ने जानबूझकर अपना फोन को फॉर्मेट किया और अपना पासवर्ड देने से भी इनकार कर रहे हैं। अब विभव कुमार के खिलाफ धारा 201 लगाई जा सकती है। सबूतों को नष्ट करने की यह धारा होती है जो कि विभव कुमार पर लग सकती है। इससे पहले 5 दिन के लिए हिरासत में भेजा गया है, रिमांड पर लिया गया है विभव कुमार को। प्रधानमंत्री जी ने आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से खत्म करने और कुचलने का इरादा बनाया है, क्रश करने का इरादा बनाया है। उसके लिए इन लोगों ने एक ऑपरेशन चालू किया है अपने अंदर, जिसका नाम है ऑपरेशन झाड़ू। आज वही अरविंद केजरीवाल एक महिला को पीटने वाले को बचाने के लिए, उसको सजा न हो इसके लिए आज सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक एक करके आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को जेल में डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अरविंद केजरीवाल के काम से डर लगता है। वो 24 घंटे बिजली नहीं दे पाते, वो फ्री बिजली नहीं दे पाते, वो बच्चों को अच्छे स्कूल नहीं दे पाते, वो मोहल्ला क्लिनिक में अच्छा इलाज नहीं दे पाते, इसलिए वो आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, क्रश करना चाहते हैं। जो अरविंद केजरीवाल को इतना ऊंचा बनाने में और बड़ा बनाने में जिसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, स्वाति मालीवाल तो एनजीओ के दिनों से, चाहे वो कबीर हो या परिवर्तन हो या पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन है, तब से काम कर रही हैं। लेकिन आपने देखा किस तरह से अरविंद केजरीवाल संरक्षण दे रहे हैं और कैसे सुल्तान साहब हैं शीश महल के कि इनको मिलने के लिए अब स्वाति मालीवाल उनकी सबसे पुरानी साथी को इजाजत लेनी पड़ती है। इस बड़ी खबर पर हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बलराम पांडे और प्रमोद शर्मा हमारे साथ हैं। प्रमोद, डीवीआर ली गई है सीसीटीवी की और तमाम सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं और इन सबके बीच बताया जा रहा है कि धारा 201 भी लगाई जा सकती है विभव कुमार के ऊपर। देखिए,
बिल्कुल, जब से स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन जो है शुरू हुई है, उसके बाद से ही लगातार दिल्ली पुलिस जो है सीएम आवास आ रही है और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उसे गैदर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उन्हें वो सारी चीजें अभी तक नहीं मिली है जिसके लिए बाकायदा सीएम आवास को नोटिस दिया गया था। जो एजेंसी पीडब्ल्यूडी पूरे सीसीटीवी जो कैमरे लगे हुए हैं उसको मॉनिटर करती है, उसकी देखरेख करती है। तो कोर्ट में भी ये बात जो है वो पुलिस ने कहा था कि जो पेनड्राइव में जो सीसीटीवी फुटेज उस वक्त की दी गई है जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ था वो पूरी तरीके से ब्लैंक है, यानी कि वो सीसीटीवी फुटेज नहीं दी गई है और जो भी जो डीवीआर है जो सीसीटीवी देखा है उसके अंदर अभी तक कुछ चीजें ऐसी नहीं निकल के आ रही है, यानी कि कई सारी ऐसी फुटेज है जिसे डिलीट किया गया है। और अगर ये बात साबित होती है कि जानबूझकर इस फुटेज को डिलीट किया गया है या अपने फोन को फॉर्मेट किया गया है, सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की गई है, तो आने वाले वक्त में जब चार्जशीट फाइल होगी तो उसमें जो धाराएं लगी है उसके अलावा आईपीसी के सेक्शन 201 यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस की धारा को भी जोड़ा जाएगा। और विवेक कुमार से लगातार पूछताछ कर रही है, उसी पूछताछ के आधार पर जो दिल्ली पुलिस की टीम है आज दोबारा यहां पर आई थी और एक डीवीआर जो कि प्राइवेट एरिया है जो अरविंद केजरीवाल का अंदर का जो हिस्सा है वहां का डीवीआर भी अपने साथ लेके है ताकि उस डीवीआर। प्रमोद हमारे साथ बलराम भी बने हुए हैं। बलराम, यहां एक और कानूनी कार्रवाई चल रही है, वहीं राजनीतिक लड़ाई आम आदमी पार्टी ने इसे पूरी साबित करने की कोशिश की है। सीएम केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल को लेकर के कुछ नहीं कहा है लेकिन उनके ऊपर बीजेपी से मिलीभगत के आरोप लगाए जा रहे हैं और बीजेपी की पूरी साजिश बताया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी लगातार ये सवाल खड़े कर रही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने ही स्वाति मालीवाल को मोहरा बना करके इस्तेमाल किया है और बीजेपी के इशारे पर ही स्वाति मालीवाल ने ये पूरा जो कहा जाए घटनाक्रम है उसे रचित किया है। और यही वजह है कि अभी कुछ देर पहले ही सौरभ भारद्वाज जो दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं उन्होंने आरोप लगाया कि 304 FIR कैसे सार्वजनिक कर सकती है दिल्ली पुलिस, और साथ ही उन्होंने कहा कि जब 112 पर कोई पीड़िता कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज कराती है तो उसे पुलिस सार्वजनिक नहीं करती। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस बीजेपी के इशारे पर सारी चीज़ें सार्वजनिक करती है, खबर को ब्लांड करती है, और जिस तरीके से दिल्ली पुलिस कह रही है कि सीसीटीवी से छेड़खानी की गई है, सीसीटीवी फुटेज नहीं दिए गए हैं, ब्लैंक जो है पेन ड्राइव दी गई है, तो उन्होंने साफ कहा कि ड्राइंग रूम में आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ है। जहाँ जहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा था उसका डीवीआर दिल्ली पुलिस कल ले गई थी और आज सीएम आवास के प्राइवेट एरिए का भी जो डीवीआर है वो लेकर के गई है। तो हम कोई चीज छिपा नहीं रहे हैं, हम कोई चीज बचा नहीं रहे हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि अभी तक जो पीड़िता है उसने ये नहीं बताया, यानी उन्होंने कहा कि स्वाति मालीवाल ने अभी तक नहीं बताया कि आखिरकार ये मारपीट क्यों हुई। जब तक यही नहीं मालूम है कि मारपीट क्यों हुई फिर ये गिरफ्तारी किस आधार पर और जो FIR ठीक है, तो यहाँ सवाल खड़े किए जा रहे हैं स्वाति मालीवाल के ऊपर ही और उनकी मंशा पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि पूरी आम आदमी पार्टी इस मामले में विभव कुमार का बचाव कर रही है और स्वाति मालीवाल जो कि आम आदमी पार्टी की सांसद हैं अब फिलहाल उन्हें बीजेपी के साथ मिलीभगत का आरोप उनके ऊपर लगाया जा रहा है और इसको लेकर के आम आदमी पार्टी सड़कों पर भी उतर रही है और बीजेपी के दफ्तर तक आज मार्च भी किया था गिरफ्तारी देने के लिए। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए बलराम और प्रमोद आपका।